हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज फिर हम अपना नेक्स्ट पेपर देखेंगे, यानी कि यूजीसी नेट का जो पेपर है हम देख रहे हैं। यूजीसी नेट एजुकेशन का 2012 का दिसंबर का पेपर देख रहे हैं और वो भी पेपर टू देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए कि पेपर कौन सा है। आगे आपको पता ही चल गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है, दर्शन की एक शाखा एपिस्टेमोलॉजी किसके द्वारा यानी किसके सिद्धांत से संबंधित रखती है, किसके द्वारा सिद्धांत है या कौन सा सिद्धांत करता है। तो एपिस्टेमोलॉजी, जब याद रखना कि ज्ञान से संबंधित चीज कह रहा है, यानी कि ज्ञान हो जाएगा इसका आंसर। और आपको पता है दर्शन की एक शाखा के रूप में एपिस्टेमोलॉजी जो होता है ज्ञान के प्रत्यक्ष संबंध में रखी जाती है, तो इसलिए ध्यान रखना। और एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? रूपांतरणम, यानी कि रूपांतरण ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण क्या है, शिक्षा का उद्देश्य को तय करना में दर्शन सहायक होता है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात करता है। शिक्षा, देखो आज आपको एक चीज़ बता दो, चलो पहले इसे को शिक्षा दर्शन पर अत्यधिक निर्भर होती है। क्योंकि अत्यधिक निर्भर क्यों होती है, आपने एक चीज़ नाम सुना होगा PhD, यानी कि PhD है, ठीक है ठीक है, तो PhD है। तो PhD को क्या आप क्या कहते हैं, डॉक्टरेट इन फिलोसफी इन इंग्लिश इन हिस्ट्री इन एजुकेशन, इस तरह से आता है। तो डॉक्टरेट इन फिलॉसफी क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, एक नज़रिया पैदा करता है किसी भी चीज़ को हमें अपनाने का, किसी भी चीज़ को हमें बताने का, तो इसलिए उसका नाम फिलॉसफी है, यानी कि डॉक्टरेट फिलॉसफी, इसलिए सबसे ऊपर मानी जाती है PhD। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शब्दों की जगह, शब्द की बजाय जो कुछ जैसे भी हो वैसे ही, अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हजार बार आपको क्वेश्चन करा रखा है, तो सीधे सीधे आपको आंसर पता ही होगा। यथार्थवाद की बात करें, यथार्थवाद क्या कहता है, जो जैसा है वैसा ही अपनाना है, वैसा ही रहेगा, वैसा ही जिंदगी भर आपके सामने रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक अस्तित्ववाद अध्यापक को किस पर महत्व देना चाहिए, स्वतंत्रता, उदार, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत परक भावना, ये सब आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसमें ऑप्शन नंबर ऊपर के 3 होंगे, यानी कि मिलजुल कर छोड़कर आपके सारे आ जाएंगे। क्योंकि स्वतंत्र भी होना चाहिए बच्चे को आप पढ़ाओ, उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, व्यक्तिपरक या भावना होनी चाहिए, यानी कि ये 3 हो जाएंगे। तो ये 3 किस में, सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वर्ग विहीन समाज बनाने में की वकालत कौन करता है, तो इस तरह की जो वकालत करता है कार्ल मार्क्स करता है, यानी कि उल्टी सीधी जो बात करता है कार्ल मार्क्स ही करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेद में, यानी कि वेद हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं भाई, वेद जो है हमें स्पष्ट क्या आदि और अंत तक नहीं, यानी कि स्पष्ट का आदि एवं अंत नहीं है, यानी कि जैसे कि कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर है, शरीर का ही अंत होता है, शरीर ही दोबारा, यानी कि आत्मा परिवर्तन है, एक से परिवर्तन, यानी कि यहाँ इसका शरीर छोड़ा उसमें दूसरे में चली जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको आत्मा को सिद्धि होना जरूरी है, ना कि मस्तिष्क की या स्तन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार स्पष्ट का क्रम कौन सा, भाई सांख्य दर्शन के अनुसार स्पष्ट क्रम है, पुरुष आएगा, प्रकृति आएगा, महत्व तो आएगा और अहंकार आएगा, यानी कि पुरुष, प्रकृति, महत्व, तो अहंकार, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब ये बताओ आर्य सत्य, जो आर्य सत्य है वो क्या है, दुख में नहीं सॉरी जीवन में दुख है, यानी कि जीवन में दुख है पहला आ जाएगा, बहुत से ये हो जाएगा पाँचवा नंबर, तो पाँचवा नंबर कहाँ है, ये दो कट जाएंगे, तो यानी कि पाँचवा नंबर इस दोनों में। अगला क्या, दर्शन निदान क्या है, इसके आ जाएगा नाम रूप, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर चले गए हम। अब है अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग में क्या आता है बताइए, अष्टांग मार्ग में समर्क व्यायाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का 3 में चला जाएगा, यानी कि इस तरह से ये आ जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, और निर्णय का समाधि। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, खतरनाक कारण है, सभी मुस्लिम महिलाओं को स्कूल जाना चाहिए। अच्छा जी, अब मुस्लिम दर्शन शास्त्र में सभी पुरुष अथवा स्त्रियों को समानता पर जोर दी गई है, बताओ इसका जो आंसर था उस टाइम पर क्या दिया गया था। इसका आंसर कोई भी नहीं था। तो इसके आंसर में आपको देखो, जब मुस्लिम धर्म की बात आती है, सभी पुरुष और स्त्री की समानता की बात की गई है, ठीक है, ये है मुस्लिम धर्म में सभी को शिक्षा प्राप्त करने की बात भी कही गई। इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो 2-3 कथन है उसमें मिलता है, पढ़ने यानी पढ़े अपने पिता के नाम पर जिससे क्या होगा जन्म दिया है, इस्लाम को मानने की बात जो है, ये सब चीज़ें इस तरह ही आएगी। तो इसलिए दोनों ही सत्य मान सकते हैं, वैसे तो कुछ नहीं होता, यानी कि ए मान के चलते हैं हम अपना ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। जो इतने भी जैसे मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जब हम एजुकेशन में पढ़ते हैं तो इसकी हमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कत की, यानी कि एक कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ मानी जाती है। तो इसलिए ध्यान भी रखना कि आपको पूरे सोर्स जो पढ़ता हो, यानी सोर्स पता होगा, तभी आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे और उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, टैगोर की शिक्षा व्यवस्था के में बालक किसकी बेहतर यानी कि बेहतर सीखते हैं, किसको बेहतर सीखते हैं, एक तरह से भाई वाद विवाद और चर्चा से, ठीक है, फिर पढ़ना लिखना और बोलना, नृत्य नाटक संगीत पर्यटन प्रकृति, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कौन कौन से हैं, कथन आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी कि वाद विवाद चर्चा से सीखता है, नृत्य नाटक संगीत से सीखता है, और पर्यटन यानी घूमने फिरने यानी आ जाएगा भ्रमण शैली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक के निःशुल्क, ये तो सबको पता ही भैया, इसका आंसर है भाई, अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 21 ए कहता है, और 21 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखना 21 में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है और 21 ए में हमारा अनिवार्य शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सही अर्थ हेतु भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत किसने करी है, तो आपके सामने एक नाम दिखा है एरे, यानी कि जे के एरे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शिक्षा का सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान है, तो क्या है सामाजिक विज्ञान, शिक्षा की स्थिति से जुड़े समाज वैज्ञानिक प्रक्रिया का विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विद्यालय मूलभूत रूप से सामाजिक संस्था है, तो आपको पता ही विद्यालय मूलभूत क्या है, सामाजिक संस्था है ही। अब सामाजिक संस्था क्यों है, वो उसका कारण क्या है, भाई आपको एक चीज़ दिख रही होगी सबसे पहले तो ऊपर, वे हमारे संस्कृति मूल्यों को बनाए रखते हैं और भावी पीढ़ियों को के मन में बैठाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपने मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहते हैं, ठीक है, और एक रहता केरल के कोई भी एक्स वाई जेड गाँव में, तो जो मेरठ वाला है तो मेरठ, जब मेरठ वाले में मेरठ के स्कूलों मतलब मेरठ के परिवेश की सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वातावरण उसका वहाँ का है। अब केरल वाले में केरल की वातावरण की बात आएगी, तो यानी कि वो जो अगला जो टीचर सिखा रहा है तो वो भावी पीढ़ी उसी चीज़ के हिसाब से तो लेके चलेगा, अब केरल वाला उसके हिसाब से लेके चलेगा, तो ये बात कही गई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लोगों को एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग में रखने के लिए सुसंगम रूप से उपयुक्त किया जाए मापदंड कौन सा सही नहीं है। अब सही नहीं है तो इसमें आपको क्या दिखाया, ज्ञान की बात कर रहा है, ज्ञान नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, परिवार को एक छोटी इकाई मानते हुए निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक समूह का सोपानिक क्रम है, तो भाई सोपानिक क्रम में जब परिवार आएगा तो परिवार के बाद वर्ग आता है, फिर जनजाति आती है, प्रजाति आती है, राष्ट्र आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, देख लीजिए एक हो जाएगा बी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विद्यमान सामाजिक प्रथाओं को प्रतिस्पर्ध के विज्ञान के तकनीक और उसके प्रयोग, देखिए विज्ञान और तकनीक का जो क्वेश्चन आ रहा है ये अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों को अवॉइड कर दिया है ज़्यादातर अब नेट में,
खासकर एजुकेशन में। तो इसका वैसे तो आंसर आधुनिकीकरण है, यानी कि आधुनिक जब इसमें विज्ञान और तकनीक आ जाए तो याद रखना विज्ञान और तकनीक कहाँ पर है, समाज में नहीं है, पश्चिम में संस्कृति में नहीं है, तो ये तीनों तो ओपन में नहीं, आधुनिकीकरण यानी कि जो मॉडर्न जमाना उसी में है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 का किसी के व्यक्तित्व में अपने खुद की संस्कृति के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कही जाती है, जो कही जाती है तो क्या आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस में कही जाती है, सांस्कृतिकरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित का आलोचक मूल्य क्या है, तो वो है मेरे धर्म स्पष्ट यानी कि धर्म मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि एक तरह से स्पष्ट कह रहा है कि मेरा धर्म क्या है सर्वश्रेष्ठ है। प्रजातांत्रिक दर्शन में मुझे स्वतंत्रतापूर्व सोचने का और रहने का अनुमति है, तो क्या कह रहा है ये कौन सा अधिकार आ जाएगा, अगर अब हम क्वेश्चन को भी ना लेके चले तो अगर लेके चले तो एक चीज़ आ जाएगी आपके मन में। देखें अभी जो हम पढ़ रहे थे 21 की बात कर रही है, 21 क्या कह रहा है, 21 आपको धर्म की बात करता है, स्वतंत्रता में रहने की बात करता है, घर में रहने की बात करता है, बाहर घूमने की बात करता है, तो यानी कि सबका बाप कौन है 21A है, और 21A में क्या है आपको अभी बताया था फ्री एजुकेशन। तो ये एक क्या कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन को हम आलोचनात्मक रूप से ना लेके चले तो अगर इस तरह से लेके चले हमें मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो भाई धर्म के हिसाब से तो व्यक्ति कह सकता है कि हाँ मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, पर अगर उसके जो आसपास के जो लोग हैं उसके हिसाब से लेके चले तो हर व्यक्ति का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या हो गया, पहला नकार दिया हमने, दूसरा गया कारण प्रजातांत्रिक दर्शन मुझे स्वतंत्रतापूर्व सोचने और रहने की सकते, बिल्कुल सही बात है, 21 कहता है बिल्कुल भाई, 21 यही तो कहता है कि आप कहीं भी घूमो कहीं भी सोचो कुछ भी सोचो फलाना ढकड़ा सो बिचो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहला छोड़ के दूसरा हो जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला स्वतंत्रता भारत की शैक्षिक पद्धति की मूल प्रवृत्ति को प्रक्रिया को निरूपित करती है, तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी सामाजिक परिवर्तन सॉरी राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और शैक्षणिक परिवर्तन। भाई राजनीतिक होगी तो भैया क्या नाम समाज में भी चलेगी, समाज में होगा तो मनोविज्ञान भी आ जाएगा, फिर शिक्षा भी आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भाई देखो ये जो 21वां क्वेश्चन है ये आपके सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है भैया, सी टेट अगर जो सी टेट दे रहा हो आज के ज़माने में तो ध्यान रखना, जो रिक्शा चालक है रिक्शा चालक का बच्चा जो है क्या करा, संघर्ष करा, और संघर्ष करने के बाद क्या करा उसने इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बन के वो IAS बन जाओ मान लो इस तरह का, तो ये क्या कर रहा है किस चीज़ का उदाहरण दे रहा है, तो आपको एक चीज़ उदाहरण दिखने को मिली होगी सामाजिक में क्या आएगा, गतिशीलता, यानी कि परिवर्तन मत डाल देना, गतिशीलता आएगी और इसका आंसर हो जाएगा गतिशीलता, यानी गति चल रही, रिक्शा वाला उसका बच्चा क्या बना IAS, यानी कि एक इंजीनियर बना फिर IAS बना, IAS के बाद फिर उसे एक अच्छा पद मिल गया, तो वो और वो क्या कर रहा है देश के समाज में अपना योगदान दे रहा है, कि उसका ये मानना है कि मेरा जैसे मैं गरीबी में जिया हूँ तो ऐसा किसी को भी जीने नहीं दूंगा और उसको सबको ही मदद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सामाजिक स्थितिकरण का उदाहरण यानी कि स्तरीकरण का उदाहरण क्या है, एक क्षेत्र में विभिन्न स्तर के लोगों का रहना, एक समाज में विभिन्न सामाजिक स्तर को में विभाजित करना, एक अलग कॉलोनी जिसमें केवल वर्ग तीन के सरकारी कर्मचारी होते हैं, उच्च और नीचे जाति वाले समाज। भाई जो इस तरह की संकल्पना है तो वो क्या करता है, एक करता है, दो करता है और तीन करता है सॉरी चार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षा के अवसरों की समानता से अभिप्राय है, भाई शिक्षा के अवसरों की समानता क्या है, अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार सुविधा प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। समाज का वंचित वर्ग बना है, तो वंचित वर्ग क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाओं से, शारीरिक रूप से विकलांग, ग्रामीण लोग से। भाई जब इस तरह की बात आती है तो आपको पता है सामाजिक इसमें सारे आ जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण लोगों को भी वंचित वर्ग में रखा जाता है, महिलाओं को वंचित वर्ग में रखा जाता है, जो फिजिकली हैंडीकैप है यानी कि विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें एक तरह से रिजर्वेशन में टाइप में रखा जाता है, तो वंचित वर्ग में रखा जाता है, तो इसलिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अंतर निरीक्षण पद्धति के किसके से अभाव है, तो क्या हो जाएगा, भाई आपको एक चीज़ मैंने बताई थी जब इस तरह की बात आए तो क्या आएगा, विश्वसनीयता और वैधता, विश्वसनीयता और वैधता जब हो जाएंगी तो वो हो जाएगा वस्तु परकता भी हो जाएगी, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत क्या है? विकास आपको कहता है निरंतर, कहता है निरंतर करते रहो करते रहो करते रहो, यानी कि विकास की बात हो गई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत भेदभाव की बात करता है। तो एक चीज़ दिख रही होगी आपको, स्पष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने की का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 कह रहा है, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों की भाषा का विकास निम्नलिखित परिणाम पर होता है। तो भाई बच्चों की जो भाषा होती है उस पर क्या बात करता है स्किनर? स्किनर कहता है अनुक्रमण तथा पुनर्बलन, यानी कि रीइंफोर्समेंट, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबार बढ़ जाती है वह कहलाता है। भाई जब आपने एक चीज़ देखा होगा, ये आप ये इसके लिए नेट की तैयारी कर रहे हो, भाई नेट की तैयारी कर रहे हो, आपने सीधी सीधी बात ही है सी टेट का पेपर दिया होगा, तो यानी कि और सी टेट में आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, या फिर इसमें भी जब एम एड हम करते हैं या फिर बी एड करते हैं, तो आपने एक चीज़ कही सुनी होगी कि आप बार 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 किसी चीज़ को पुरस्कृत रूप से बांटते रहो। मान लीजिए कि है ना, ये कोई जीतेगा तो इसे ये प्राइज़ मिलेगा, ये प्राइज़ मिलेगा, तो एक लिमिट आएगी जब आपका बच्चा पुरस्कार के लिए नहीं, यानी कि पुरस्कार के चक्कर में पढ़ना ही छोड़ देगा, यार पुरस्कार मिलता रहता है छोड़, तो वो चीज़ भी लिमिट में होती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें ये कह रहा है जो वो प्रतिमान के लिए कह रहा है व्यवहार परिवर्तमान में बारंबार बढ़ती जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुकूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विषम पद ज्ञान कीजिए, यानी कि जो ज्ञात करना है कैसे, विषम पद यानी कि इनमें से अलग सीधे सीधे बात ही है, इतना लंबा चौड़ा आजकल के जो ये क्वेश्चन है इस तरह के मिलते नहीं, इसमें इन में से भिन्न छाटिए। भाई भिन्न छाटो मतलब तीन एक जैसे होंगे उससे भिन्न छाटोगे तो ये क्या हो जाएगा? समय निष्ठा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्यक्तित्व का स्वय सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया है, यानी कि किसने प्रतिपादित किया है व्यक्तित्व? ये जो सिद्धांत है ये लिख लेना, सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन मिलता है मिलता है, चाहे आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो, सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। तो सिद्धांत के ऊपर आपको पता होना चाहिए सिद्धांत क्या कह रहा है या किसके ऊपर कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मिलते हैं वो है, इसका आंसर हो जाएगा रोजर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, आर्कमीडियस ने अपनी समस्या का हल तब पाया था जब वह अपने स्टोन टेबल में था, यानी कि इस एक तरह से सीधे सीधे ये जो स्नान इस तरह की जो लैंग्वेज लिखते हैं ना सीधे सीधे ये क्या लिख देते हैं, अपने स्नान टब में था, तो यानी स्नान टब हिंदी में स्टोन टेबल में था जब वह सृजनात्मक प्रक्रिया की बात करता है, तो यानी कि बाथ टब में था। अबे बाथ टब लिख दो यार, तो स्टोन टब में यानी कि स्नान टब में था, या इस तरह की जब चीज़ें आती है या पढ़ोगे एक तरह से दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हिंदी वालों का तो अब जब एक चीज़ और कर दी है UGC नेट ने, एक चीज़ अच्छी करी है यानी कि सभी CVT एग्ज़ाम में ऊपर इंग्लिश लिखी रहती है नीचे हिंदी लिखी रहती है, तो ये थोड़ा सा इससे समझने में थोड़ा सा आसानी रहती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, खासकर हिंदी वालों के लिए जो हायर एजुकेशन में है। तो भाई इंग्लिश में आपने किताब पढ़ी है, हिंदी में अगर आप लेके चल रहे हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया प्रतिपान, तो इसका आंसर हो गया प्रतिपान, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32 अध्यापन तथा अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, अभिप्रेरणा लक्ष्य के प्रति आकर्षण है तथा उसके अर्थ को स्पष्ट करता है, जब अर्थ को स्पष्ट करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है। प्रकृतिवाद का अग्रणी कौन है? तो प्रकृतिवाद किसका है? विलियम जेम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम जेम्स। चलिए आगे चलते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है। अब मैच द फॉलोइंग है तो इसमें आपको पता होना चाहिए मैच द फॉलोइंग क्या है, शब्दावली परीक्षण। तो शब्दावली परीक्षण में आ जाएगा अंतोगत शब्द का अर्थ, यानी कि इसका तीसरा आ जाएगा, यानी कि तीन सारों में दिए हुए, यानी कि एक तो ये तो कट ही जाएगा। अब फिर है स्मरण शक्ति परीक्षण, स्मरण शक्ति परीक्षण क्या हो जाएगा? आपकी क्लास टीचर का मोबाइल नंबर, यानी कि आपको अभी जो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा स्मरण शक्ति वाला,
वही है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और क्या था उसमें रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि वही बात कर रहा है, इस तरह की बात कर रहा है रिफ्लेक्टिंग लेवल। फिर आता है सूचना परीक्षण। भाई सूचना परीक्षण में क्या आएगा, सूचना परीक्षण मतलब सी जो आपका आ जाएगा सूचना परीक्षण में आ जाएगा, ताजमहल कहाँ स्थित है, ठीक है, सूचना का पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। असहचर्य परीक्षण, सहचर्य परीक्षण में पौधा तथा पशु बिना बातें, यानी कि बिना बात एक समान, यानी कि एक समान की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या, बिंदुरा द्वारा सामाजिक अधिगम के निम्नलिखित सोपानों में पुनर्व्यवस्थित कीजिए, व्यवहार को स्मरण करना, स्मृति को कार्य के तब्लीग करना, प्रारंभिक कार्य। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, इस तरह का जो चरण है, पहली बात तो अब आने बंद हो गए हैं, याद रखना कि नेट में इस तरह क्वेश्चन आने बंद हो गए। चलिए पर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, पर ये नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर का जो सेटर है, जैसे इस बार का आपने यूपीएससी का पेपर देखा है, क्या हुआ था यूपीएससी के पेपर में, पता नहीं क्या करा है गड़बड़ सिलेबस को, पता नहीं किस तरह से मोड़ तोड़ के पता नहीं क्या कर दिया। तो क्या पता इस बार, यानी कि अब आगे इस तरह का लग रहा है कि सीबीटी एग्ज़ाम में भी कहाँ से क्या उठा के पूछ दे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, पहला तो हो जाएगा व्यवहार पर ध्यान देना तथा और समझना, पहला तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा व्यवहार को स्मरण करना, यानी कि याद करना। फिर आ जाएगा व्यवहार को, यानी समृद्धि को कार्य में तब्दील करना, समृद्धि को कार्य में तब्दील, फिर यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निहार परीक्षा में फेल हो जाती है और अपनी असफलता का श्रेय संकाय द्वारा, यानी कि संकाय मतलब किसी भी डिपार्टमेंट या फिर उसको फैकल्टी को सौंपती है, के द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र को देती है। वह किसी प्रतिरक्षक युक्ति का उपयोग कर रही है, भैया सीधे सीधे बात यह युक्तिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चन है युक्ति दे रही तो युक्तिकरण। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको सीटेट में मिलता है, वहाँ क्या मिलता है कि मान ली एक्स वाई जेड स्टूडेंट है फेल हो गया, तो क्या आपको क्या होगा, व्यवस्था फेल है, वहाँ पर कर देते हैं व्यवस्था फेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवाद परिक्षेपण का गुण नहीं है, तो गुण नहीं है किसकी बात कर रहा है, भाई जब इस तरह की बात आए तो सामान्यकरण की बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, अभी कथन, यानी कि इस कथन और कारण के, बड़े परीक्षण छोटे परीक्षण की अधिक विश्वसनीयता होती है, प्रत्येक प्रश्न पत्र विश्वसनीयता बढ़ाता है, तो भाई विश्वसनीयता तो होती है भाई प्रश्न पत्र में, तो विश्वसनीयता होती है, तो यानी कि जो पहला हो जाएगा वही हो जाएगा, यानी छोटे बड़े वाली इम्पोर्टेंट होता है। देखो आपने एक जगह 10 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, और एक जगह 100 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, अब 10 क्वेश्चन को चेक करना, रीचेक करना, उनका मूल्यांकन करना, उनको क्या नाम विश्वसनीयता करना, वैधता देखना, तो क्या होगा क्वेश्चन पेपर जब बना दिया तो आपको जल्दी बन जाएगा, आप चेक अच्छी तरह कर लोगे उसमें सारी चीज़ों को लेकर। अब यहाँ 100 क्वेश्चन बनाने, पहली बात तो 100 क्वेश्चन लिखने में ही पागल हो जाएगा जो भी टीचर, कोई भी टीचर हो भैया, 100 क्वेश्चन में जैसे मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन है आपको लिखना है, लिखने के बाद फिर अगर मल्टीपल हो गए तो फिर तो और परेशान, तो क्या होगा इस तरह से करता चल जाएगा, तो यहाँ पर एक तरह से बोरिंग है, फिर एक टाइम आएगा चलिए भी ऐड कर दे, तो वो उसकी विश्वसनीयता वैधता भी खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप जब क्वेश्चन पेपर बनाओगे, जो भी यानी कि स्टूडेंट होंगे जिसने एमएड करी होगी, अब वो या एम एजुकेशन करी होगी, भैया आप क्या कर रहे हो, या पीएचडी वाले भी होंगे, क्वेश्चन पेपर तो बनाते होंगे, क्वेश्चन पेपर जब आप एक सर्टेन टाइम में क्या करते हो, चल कोई नहीं कौन देख रहा है, ये भी ऐड कर दे, ये होता है शुरुआत में, जब कॉपी चेक करता है तो टीचर कैसे चेक करता है, अच्छी तरह करता है बिल्कुल आसानी से, जब वो 10 कॉपी हो जाती है फिर उसे वो बंडल लिखने लगता है कि 50 का बंडल है 60 का बंडल है, फिर हेलो हाँ बात करता रहता है, ये इस तरह करता चल जाता है। तो वही चीज़ है क्या इसमें भी, क्वेश्चनेयर में इसकी विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किसी भी शोध यानी शोध अभिकल्प में निम्नलिखित में कौन से विभिन्न नियंत्रण या बदलाव या हेर फेर नहीं की जा सकती। जब शोध की बात आता है तो शोध में एक चीज़ आती है आपको आश्रित चर
की विविधता। तो क्या आएगा, आश्रित शब्द की विविधता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी बात एक अच्छे शोध की समस्या को कथन के क्लस्टर यानी कि नहीं है। नहीं पर इसमें ये पता नहीं मुझे तो इस पेपर में क्या रखा रखा है, नहीं पर ज़्यादा जोर दे रखा है, तो नहीं पर ज़्यादा जोर देने के कारण इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सांख्यिकीय विश्लेषण की उपयोगिता का असंभावना यानी कि असंभावना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा सतत चर है, तो स्वतंत्र या सतत चर, स्वतंत्र चर, इन दोनों का ध्यान रखना, सतत चर स्वतंत्र चर इसका ध्यान रखना आपको, इसका जो विद्यालय के प्रति अभिवृद्धि यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन है, इसमें बाह्य चरों पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण होता है, इसके परिणामों को वास्तविक जीवन में यानी वास्तविक जीवन में करने की बात करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर यानी कि ए सही आर गलत। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। जब इस तरह की बात आए तो आपको देखना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से कि तार्किक परीक्षण यानी कि तार्किक परीक्षण जो होता है वस्तु वैधता यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, तो और सारे सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब आता है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में जब आपकी जो बात आती है तो इसमें ऐतिहासिक शोध, जब ऐतिहासिक शोध आता है तो ऐतिहासिक शोध किसके ऊपर बात करता है भाई, ऐतिहासिक शोध करता है आपके भूतपूर्व यानी कि भूतपूर्व जो इतनी चीज़ें हैं, भूत संदर्भित चीज़ें हैं यानी कि पुरानी चीज़ों पर बात करता है। अब जब पांचवा चला जाएगा तो यहाँ पर एक ही चीज़ दिखती है यानी कि पहले में पांचवा आ गया तो बाकी के क्या आएगा, क्रियात्मक शोध क्या है, स्थानीय समस्या यानी कि सर्वेक्षण परीक्षण आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा, और क्या बचा, प्रयोगात्मक में आ जाएगा, चरों के नियंत्रण यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ये मत सोचा करो कि इस तरह का कि अकेला पांच दे रखा है तो ये नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐसे मिलाते हैं, अच्छा चार यहाँ पर है, अच्छा एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो ये तो होगा ही होगा, तो फिर क्या बचा, अब पांच वाला होगा नहीं, तीन वाला ही कर देते हैं, तो ये समस्या सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण शोध में इसके संदर्भ में निम्नलिखित सोपानों में से कौन सा है क्रम है, न्यायदर्श चयन, अनुमान लगाना, संकलों का विश्लेषण, आंकड़ों का संदर्भ, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, जब इसकी जब बात आ जाएगी तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, सबसे पहले आएगा न्यायदर्श का चयन, फिर आ जाता है आंकड़ों का संग्रह करना, फिर आ जाता है संघ विश्लेषण, विश्लेषण के बाद अनुमान लगाना यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अवस्थित का यानी अवस्थिति का माप है, अवस्थिति का माप क्या आंसर है, तो इसका आंसर शतांक यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक अन्वेषक किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में दृष्टि बाधित बच्चे को व्यावसायिक आकांक्षाओं का अध्ययन करना चाहता है, उसके आप उसे अपने न्यायदर्श का चयन किसके ऊपर यानी कि देखो किसकी बात, दृष्टि बाधित की बच्चे की बात करते हैं, तो दृष्टि बाधित बच्चे की बात कर रहा है, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर, सरल यानी सरल या उच्चीकरण तो होगा नहीं, पहला तो होगा नहीं, प्रयोजनक प्रतिचयन यानी कि ऑप्शन सप्रयोजित प्रतिचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एक ही समष्टि से चयनित आकार में न्यायदर्श के आधार पर संख्या मध्य को बड़ी संख्या में वितरित करना है, देखो ये होल्ड पे रखो, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे मॉडर्न वाले में, तो इसका क्या होगा, प्रतिचयन पंटन यानी कि प्रतिचयन की बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एक्स और वाई दो चर सहसंबंधित हैं, इसका अर्थ क्या है भाई, दो चर जब सहसंबंधित होते हैं एक साथ परिवर्तित होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लाज रखते हैं, जब आमने सामने बैठे उत्तरदायित्व को प्रश्न किया जाता है तो साक्षात्कार प्रश्न वाले को एक तरह से, देखो ये इंटरव्यू सेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, इंटरव्यू जब इंटरव्यू फाउंडिंग यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चन है और इंटरव्यू जब बात करते हैं तो उसमें आपको एक ही चीज़ मिलती है, वो होती अनु यानी कि इसका जो अब क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। जब आमने सामने बैठे उत्तरदायित्व के प्रश्न किए जाते हैं और साक्षात्कार प्रश्न वाली भरवाता है बजाय लोगों के यानी कि उत्तर के, तो
इसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनुसूची। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली होता है जिसमें उत्तर होते हैं। भैया आप जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें उत्तर भी दे रखे हैं, तो इस पर टिक करने वाले, तो उसे कहते हैं प्रश्नावली। सूची अलग होती है, परीक्षण अलग होता है। यानी कि आपको ये चारों का चारों पता होना चाहिए। सूची क्या होती है, प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूची क्या होती है, परीक्षण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। याद रख लेना, एक चाहे एक पेपर पे इनकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर सामने पढ़कर तथा उत्तर देकर उत्तर को स्वयं भरना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।